पॉइंट टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इस मुकाबले के बाद हुआ क्या है भाई, फिर बदल हुआ है पॉइंट टेबल में। स्वीट 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 तरीके से कोलकाता अब आ गई है टॉप फोर में। कोलकाता आ गया और नेट रन रेट भी देखिए जी, 16th ओवर में मैच खत्म किया तो पॉजिटिव नेट रन रेट भी है यहाँ पे कोलकाता की टीम के पास। 8 अंक है भाई, मुंबई छठे पायदान पर आ गई है अजय भाई, 8 अंक हैं। हिस्ट्री टेल्स अस नेवर काउंट आउट मुंबई, पर अगर आप उस कैंप में हैं सर अभी, थोड़े बहुत अलार्म बेल्स कि नहीं? बिल्कुल, थोड़े बहुत नहीं, बड़े बड़े अलार्म बेल्स, क्योंकि अगर आज ग्राउंड पे देखो तो काफी बड़े बड़े अलार्म बेल्स नजर आ रहे थे आपको। अलार्म बेल्स तो सबसे ज्यादा ना, हार जीत तो होती रहेगी, क्योंकि एक एक मुंबई इंडियंस का मैं फैन हूं तो मैं उस अलग तरीके से भी देखता हूँ। आई थिंक जो स्टाइल मुंबई इंडियंस का हमेशा था ना, गेंदबाजी में मुझे कम से कम कमी नजर आती है इन नंबर, यू नो, टोटल 5 गेंदबाज मैं सिर्फ घुमाने वालों को या फेंकने वालों को गेंदबाज नहीं गिनता। गेंदबाज जब गेंदबाजी कर रहा है और अगर वो विकेट लेने की क्षमता तो सारे ही रखते हैं क्योंकि फुल टॉस पे, लेकिन सामने वाले बल्लेबाज को जब ये डर ना हो कि यार ये मुझे आउट ना करे, तो वो उसको गेंदबाज, वहां पे आपकी कमी जरूरी है, क्योंकि बिलो पार जब भी टोटल रहेगा फिर आपको गेंदबाज मिस करते हैं, क्योंकि बैटिंग में तो यही बैटिंग है आपकी, चलती चली जाएगी, किसी दिन चलेगी किसी दिन नहीं। बैटिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, लेकिन मेरे को बॉलिंग में लगता है कि जरूर आपको एक बॉलर ऐड करना होगा, किसी को निकालने को नहीं कह रहा, एक कमी है जिससे कप्तान के हाथ बंधे हुए। कप्तान को आप देखिए, ये और वो कप्तान है जो अच्छी चलाता है टीम, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज जसप्रीत बुमराह से भी एक ओवर कराया, 30 रन बन चुके थे, तीसरे ओवर में विकेट ली उसने भी, इन कंडीशंस में उसको दूसरा ओवर करा नहीं पाए क्योंकि वो ये सोच रहे अभी रसल भी आ सकते हैं, अभी मॉर्गन भी आ सकते हैं, अभी वो भी आ सकते हैं, तो एक अकेले को लेके जब आप धार चलाओगे ना तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, सामने वाली टीम आपके विरुद्ध ना सीप लगा जाती है, जो आज केकेआर ने किया। पहले उन्होंने बॉलिंग से आपको हरा दिया टैक्टिकली, और फिर बैटिंग में भी आपको आपके पास चॉइस ही नहीं बची थी, तो जरूर अलार्म बेल्स, और अगर अब नहीं जागे तो फिर शायद लेट हो जाएगी। अभी आपने कहा अजय कि रोहित शर्मा की, माफ कीजिएगा अर्जुन मैं करूं, अजय ने बोला रोहित शर्मा के हाथ बंधे हुए हैं, बंधे कहा है, आज तो खोल लिए हाथ, गेंदबाजी कर ली है। अगर उनको हाथ खोलने पड़ गए हैं तो ये पता कितने दिन बाद हुआ है, 879 डेज के बाद नहीं हुआ है रोहित शर्मा ने बॉलिंग करी है, ये हुआ है 8 8 8 9 डेज के बाद हुआ है, तो 10 टाइम्स मोर के बाद अगर उन्होंने हाथ खोले तो उन्होंने भी सिग्नल तो दे ही दिया गया यार मेरे पास बॉलर शायद कम है। पर आज जिस तरीके से मैच चल रहा था, जसप्रीत बुमराह को एक और ओवर कराना चाहिए था आज, मैं भी थोड़ा सरप्राइज था कि ओवर कराया नहीं, जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं ना कि हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि रन इतने कम थे, 2 ओवर में जब 34 रन बने हैं, जसप्रीत बुमराह तीसरा ओवर करने आए हैं, तो उनको उस समय आप ये नहीं कर सकते कि एक ओवर करा के आप रोक दें, यही आप अगर आप डिफेंड कर रहे हैं 190 200 रन में फिर भी सोच सकता हूं, पर आज वहां पर वो थोड़ी सी चूक कर गए, पर फिर भी अगर एक ओवर और कराते उसमें 1 2 विकेट अगर जसप्रीत बुमराह ले जाते तो बात अलग थी, नहीं तो खेल पे उतना प्रभाव शायद नहीं पड़ता।